श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक महत्वपूर्ण मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ, गरुड़ रक्षा मंत्र। गरुड़ प्रतीक है री इंकारनेशन का। जैसे इंग्लिश का जो फिलोसफिकल बर्ड है वो फिनिक्स है। फिनिक्स का कहा के बारे में बोला जाता है कि वो जब मर जाता है तो उसके शरीर जल जाता है और फिर उस राख से फिनिक्स फिर पैदा लेता है। उसी तरीके से गरुड़ के बारे में माना जाता है कि गरुड़ देव जो है, या अगर गरुड़ पक्षी होती है, सामान्य अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी में आपको गरुड़ का मतलब ईगल बता दिया जाएगा, लेकिन गरुड़ और ईगल में अंतर होता है। गरुड़ शास्त्रों में मिलते हैं, कहानियों में मिलते हैं, असलियत में नहीं मिलते। तो गरुड़ वो पक्षी है जो समय को बांधता है। तो जिनका समय बुरा चल रहा हो उनके समय को अच्छा लाने का कार्य जो है वो गरुड़ का होता है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि मैंने एक बार किसी लाइव में गरुड़ व्यापार यंत्र दिखाया था और तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो गरुड़ व्यापार मंत्र है, यंत्र है, वो ऐसे लोगों के लिए है जिनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और फिर अचानक से बैठ गया है, मतलब नए व्यापारियों के लिए नहीं। तो जिनका व्यापार बैठ गया है, उनका व्यापार फिर से चले, उसका उसके लिए गरुड़ व्यापार यंत्र होता है। इसका विधान ही भी ऐसा ही होता है। और गरुड़ की जितनी साधनाएँ होती हैं उनका मकसद होता है कि जो भूत में था उसको वर्तमान में कार्य करते हुए भविष्य में फिर से वापस ले आना। तो जो गरुड़ सुरक्षा मंत्र है इसका मेन उद्देश्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अस्वस्थ का अलग अलग परिभाषा है। एक तो जो बहुत कॉमन परिभाषा है वो है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और साथ में जो माया के रूप में अस्वस्थ है, मतलब धन्य धान्य से अस्वस्थ हो गया है किसी भी कारण से, उनके लिए ये साधना है। 11 दिन की ये साधना है और जो ये 11 दिन की साधना कर लेंगे वो आप मान के चलो कि अगले कई लोगों का जो उनके आसपास हैं उनका भला कर पाएंगे, खुद का भला और फिर और लोगों का भला। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इस पूरे साधना में सिर्फ मंत्र जाप है, इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री का प्रयोग नहीं होता है। और इस मंत्र का और क्या खासियत है, इस मंत्र का और ये खासियत है कि आप इसको अगर एक कागज़ में लिख करके यंत्र के रूप में किसी को सिद्ध करके दे देंगे तो भी काम हो जाएगा। अच्छा, ये जो 11 दिन का विधान है ये एक दिन का हो जाता है अगर आप लोग इसको दीपावली 14 में होलिका दहन के दिन सूर्य चंद्र ग्रहण के रोज करते हैं, ठीक है। इन चार तिथियों पे सिर्फ 1008 बार इस मंत्र का जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और अगर 11 दिन की आप साधना कर रहे हैं तो रोज आपको 1008 जाप करना होगा, इसका कोई भी हवन नहीं होता है। लेकिन जब आप जाप करते हैं तो मूल जो जाप का विधान होता है, जो मूल जाप का सिद्धांत होता है, उसको आप लोगों को पालन करना होगा। तो क्या होगा वो सिद्धांत, तो दक्षिण के अलावा आप किसी भी दिशा में बैठ करके गरुड़ महाराज का जाप और ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। जाप सूर्यास्त से पहले करेंगे, हम सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे इस मंत्र का जाप, ठीक। काले वस्त्र के अलावा किसी भी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। काला क्यों नहीं पहन सकते हैं, काले का वस्त्र का काम होता है कि वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब ये साधना हम कर रहे हैं तो जो भी वर्तमान स्थिति है उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा मान के ये साधना कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम काले के अलावा कोई भी वस्त्र पहनेंगे। 3 अगरबत्ती, गिनती से 3 अगरबत्ती, 3 धूप जलाएंगे, ठीक है। दीप आप तेल का जलाएं या घी का जलाएं, इसके लिए आप स्वायत्त हैं, ठीक है। नवेद में आपको कच्चा अनाज देना चाहिए, उसके बाद इस अनाज को चाहे तो आप
किसी गरीब को दान कर दे, किसी गौ माता को खिला दे, या फिर चिड़िया को खिला दे। चिड़िया को इस अनाज को खिलाने से ये होता है कि अगर चिड़िया ने खा लिया तो जो भी आपके ऊपर अगर किसी तरीके का साया हो या किसी तरह की जादू टोना का प्रयोग किया गया हो तो वो जो जादू टोना है वो हट जाएगा। मंत्र क्या है, 3 बार बोलूंगा, सुनिए। ओम नमो भगवते गरुड़ाय अमृत मम शरीराय सर्वरोग विध्वंसनाय अनेक कृत्या विदारणाय भूत प्रेत पिचासो उच्चाटनाय एझेहि गरुड़ाय दुष्ट रोगान दूरी करोचे कुदांदु सेव पिशाच कुमारु सारो आदि रुद्र के जानु नीलमु करीतो आदि शक्ति को आज मारु खिदाड़ी गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो शुरुआत में जब आपने ये मंत्र सुना होगा आपको लगा होगा कि ये वैदिक मंत्र है, लेकिन ये वैदिक नहीं है, ये विशुद्ध रूप से साबर मंत्र है। ठीक है, तो साबर मंत्र में संस्कृत बंगाली असामी ये सब भाषा मिल करके यहाँ जो चलता है कामरू देश में वो ऐसा ही चलता है। एक बार फिर से मंत्र सुनिए ना। मंत्र है ओम नमो भगवते गरुड़ाय अमृत मम शरीराय, मतलब अमृत मेरा शरीर हो, सर्वरोग विध्वंसनाय, मतलब सब रोगों का विनाश हो, अनेक कृत्या विदारणाया, कृत्याएं जो चलती हैं, मैंने बताया था कृत्या की साधना लोग करा रहे हैं आज के दिन में, कृत्या किसी पे चलाया जाता है उसके मारण के लिए, भूत प्रेत पिशाचो उच्चाटन आया, मतलब आसपास अगर भूत प्रेत पिशाच हैं तो उनका उच्चाटन हो जाए, वो भ्रमित होके चले जाए, एझे ही गरुड़ाया दुष्ट रोगान दूरी करोचे, मतलब इस समय यहाँ पर गरुड़ महाराज दुष्ट और रोग को दूर करो। ठीक है, कुदांदु सेवे पिचास कुमार सारो आदि रुद्र के जानु नीलमु करी तो आदि शक्ति को आज मारू खिदाड़ी, ये साबर में जो दुहाई देते हैं वो है, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फूरो मंत्र ईश्वर वाचो, मतलब गुरु की शक्ति जो भी मैं मंत्र कर रहा हूँ वो गुरु, मतलब जैसा मैंने ये मंत्र आपको दिया आप चलाएंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो ओम नमो भगवते गरुड़ाया अमृत मम शरीराया सर्वरोग विध्वंसनाया अनेक कृत्या विदारणाया भूत प्रेत पिशाचो उच्चाटनाया एजे ही गरुड़ाया दुष्ट रोगान दूरी करोचे कुदांदु सेव पिचास कुमारु सारो आदि रुद्र के जानु नीलमु करीतो आदि शक्ति को आज मारु खिदाड़ी गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। आसान मंत्र है, पहली बार मैंने तोड़ के बताया आपको, मतलब बताया और फिर एक फ्लो में कैसे पढ़ा जाएगा वो बताया, तो आप ये समझो कि अगर इस साधना को आप करोगे तो जो आप समझ रहे हो कि अचानक से मेरे जीवन में सब खराब हो गया है या फिर स्वास्थ्य खराब हो धन धान्य खराब हो, तो वो फिर से जो वैभव है वो परम वैभव आपकी शक्ति के आपका शरीर का आपका धन धान्य का वो वापस आ जाएगा। और ये मंत्र 108 बार 1008 बार जाप करना है रुद्राक्ष की माला पे, जिस माला पे जाप करना उस रुद्राक्ष की माला को हमेशा रखना। ठीक है, और जब भी किसी और पे प्रयोग करना होगा इस मंत्र का तो उस रुद्राक्ष की माला को ले जा करके उस अमुक व्यक्ति के स्थान पर जा करके 1008 जाप करके 3 बार फूंक मार देना, इतना पर्याप्त रहेगा। इससे ज़्यादा कभी किसी को चाहिए होगा इस प्रयोग के बाद नहीं संभलेगा, तब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के आगे के घड़ी में वो जो व्यापार यंत्र है गरुड़ का वो बनता है, लेकिन वो बड़े व्यापारी जिनका व्यापार ठप हो रहा हो उनके लिए होता है, बहुत रेयर चीज़ है और बहुत समय लगता है उसको बनाने। आज के लिए इतना ही, जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 पर जुड़ सकते हैं, इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो मैं आपको सिखाता हूँ,
जिनको मेरे द्वारा लिखे गए लेख और आने वाला जो कार्यक्रम है वो जानना है वो www.agortatantra.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल बिफोर ऐप है, उसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल आपको मिलेगा, उससे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, भगवान गरुड़ आप सभी का पुनरुत्थान करें ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश रखा।